हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी बड़े पेज को, तो उस कंडीशन में बहुत दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए ये अब काफी बड़ा डेटा है हमारे पास, ठीक है, और इसकी विड्थ काफी बड़ी है। ये देखिए यहाँ तक हमें जाना है, और जब हम प्रिंट पे जाते हैं यहाँ से और यहाँ से प्रीव्यू इसका देखते हैं, तो ये आधा अधूरा प्रीव्यू है। ठीक है, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिलाकर 12 लाइनें हैं। और यहां पर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी यहीं तक का प्रिंट आ रहा है। एक पेज में इतना ही प्रिंट आ रहा है, ये पेज है। और फिर देखिए दूसरे पेज में ये चला जा रहा है, और फिर तीसरे पेज में अगला वाला चला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए, तो ये कैसे होगा इसकी सेटिंग करके दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। जब भी प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, तो यहां पर पेज सेटअप आपको मिल जाएगा। आप इसको लैंडस्केप करेंगे तो ये थोड़ा सा चौड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा चौड़ाई इसकी बढ़ गई। तो ऐसा डेटा हो तो लैंडस्केप में प्रिंट कर लीजिए, और फिर भी ना एडजस्ट होता हो तो यहाँ पेज सेटअप पे जाइए, और यहां पर देखिए ये 100 था, ये जो था ना एडजस्ट टू 100, तो ये 100 जब होगा तो इस कंडीशन में ये डेटा और भी छोटा हो जाएगा। तो इसको आप घटा लीजिए यहां से, ये जो है ना यहाँ पे एडजस्ट टू जो लिखा हुआ है इसको आप घटाइए। इसको 65 किया मैंने। अब देखिए ये प्रिंटिंग जो है, अब देखिए जो 12-13 लाइनों में आ रहा था, तो अब गिन लीजिए इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये कुल मिलाकर के 20 लाइनें प्रिंट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन एक दो लाइन और बच जा रही है, वो भी हमें इसमें एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे चले जाइए वापस से, और फिर यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे आइए, और फिर वापस से आ जाइए पेज सेटअप पर। और जैसे ही पेज सेटअप पे आएंगे तो यहां से आप इसको थोड़ा सा और इसमें घटा लीजिए। ध्यान रखिएगा कि फिट टू एक ही पेज में हमें करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही रखिएगा, ठीक है, और फिर यहां से इसको घटाइए, और बस आपका पूरा का पूरा एक ही पेज में प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 21-30 ये डेटा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए इधर की तरफ आते हैं हम, अब ये देखिए 21-30 वाला डेटा यहां पर है। और भी हमारा पेज लंबा है तो हमें और भी ज्यादा सेटिंग करनी है, तो वापस से यहाँ पे जाके और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए, और फिर वापस से इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा आएगा लेकिन पूरा एक ही पेज पे ये फिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब ये पूरा का पूरा एक ही पेज पे फिट हो गया है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये देखिए ये जो डेटा है ना एक ही पेज पे फिट है। जब ये प्रिंट होकर आएगा तो ये दिखेगा, यहाँ पर ये पूरा साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब प्रिंट होकर निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से इसी फॉर्मेट, थोड़ा सा इससे मतलब दिखाई देने लायक रहेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि हमको खाली इतना ही प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए यही प्रिंट करना है, लेकिन जब प्रिंट पे जाते हैं आप और यहां से प्रिंट करते हैं इस तरीके से, यहां से जा करके और प्रिंट करते हैं आप, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट होने लगता है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, यहां से इसको 100 भी अगर मैं कर देता हूं, जैसे 90, 100 कुछ भी कर देता हूं, ये जो मैंने छोटा किया यहां से पेज सेटअप में, ये देखिए यहां से, तो ये देखिए इसको यहां से छोटा किया, तो ये देखिए फिर भी ये क्या होगा, हमें चाहिए था उससे ज्यादा प्रिंट होकर आ रहा है। हम ये नहीं चाहते कि इतना ज्यादा ये प्रिंट होकर आए, केवल हमको 2 ही 3 लाइन, जैसा कि मैंने सिलेक्शन किया था, ये देखिए 3, 4, 5 लाइन, यही केवल इतना ही हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ये समझ नहीं पाते कि कैसे ये प्रिंट होगा। तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका बताता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर आना है पेज लेआउट टैब पर, ठीक है, और यहां एक एक्सेल में ऑप्शन दिया होता है प्रिंट एरिया, इस पे आ जाइए आप और सेट प्रिंट एरिया। अच्छा, ध्यान रखिए कि जिसको भी आपको प्रिंट करना है, अभी तो मैंने इसको प्रिंट करने की बात की है, तो इतना ही जितना प्रिंट करना उतना सिलेक्शन कर लीजिए, और सेलेक्ट करके फिर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर जाएंगे और फिर यहां पे प्रिंट करने के लिए जाएंगे, तो यहां पे देखिए खाली उतना ही प्रिंट होकर आएगा। देखिए केवल इतना ही प्रिंट होकर आ रहा है ना, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब जैसे मान लीजिए हमको ये प्रिंट करना है, वो नहीं प्रिंट करना, अभी इस पे तो सेट प्रिंट एरिया हो गया है, तो यहां पर जाकर के क्लियर कर दीजिए। ठीक है, वो क्लियर हो गया पुराना वाला, अब यहां पर वापस से सेट प्रिंट एरिया करिए। सेट प्रिंट एरिया कर दिया आपने, अब यहां पर जाइए वापस से, फिर प्रिंट
प्रीव्यू पे जाइए तो देखिए 81 और 22 इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 81 22 यही वाला है ना, फिर नीचे 72 था, ठीक है 72। तो यहाँ पे देखिए, फिर दिखाता हूँ, ये देखिए 72 है ना। तो इस तरीके से आप ये प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। अब ये लंबाई में होगा तो भी आप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट करके और फिर उस चीज को घटाते चले जाएंगे तो वहां से आपकी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे बात बन जाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।